खबर मुंगेली से है, जहां युवती के अपहरण मामले में मुंगेली पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इसके चलते इन आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इनमें से एक आरोपी ने पीड़ित युवती को फोन कर अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दे डाली है। वहीं कार्रवाई नहीं होने से पीड़िता और परिजन इतने डर गए हैं कि वो अब डर से जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता और उनके परिजनों ने एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसपी ने पीड़ित पक्ष को कार्रवाई का भरोसा दिया है। दरअसल पिछले महीने 17 मई को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के एक युवती को कार में सवार अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे रायपुर की ओर ले जाने लगे। इस बीच पीड़िता अपने आप को छुड़ाने के लिए जोर शोर से चिल्लाने लगी, मगर बदमाशों ने कार में गाने की आवाज बढ़ा दी और युवती की आवाज को यहां दबा दिया गया। हालांकि उसने अपनी सूझबूझ से अपहरणकर्ताओं के शमूल से अपने आप को नांदघाट के समीप किसी तरह छुड़ा लिया, जिसके बाद घटना की जानकारी उन्होंने मोबाइल के जरिए तत्काल अपने परिजनों को दी। इसके बाद पीड़िता और परिजनों की रिपोर्ट पर मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात अपहरणकर्ताओं पर अपहरण सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया, मगर घटना के करीब एक महीने बीत जाने के बाद भी संगीन मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जबकि इन्हीं अपहरणकर्ताओं में से एक के द्वारा अब पीड़ित युवती और उनके परिजनों को फोन पर अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी भी दी जा रही है और अपने इस करतूत को उसने सोशल मीडिया में लड़की की फोटो वायरल भी कर चुके हैं और वीडियो अपलोड करने की धमकी दे रहा है। कार्रवाई पूछ ली हुआ है और आज आरोपी पकड़ा नहीं गया है और मेरे पढ़ाई करना है, रिजल्ट निकल गया है, रिजल्ट निकाल कर निकल गया है, समाज के लोग बहुत गंदा गंदा बात कर रहे हैं मेरे खिलाफ और जल्दी जल्दी उसको पकड़ के उसको सजा दे रही। थाना प्रभारी को भी लिखित में दिया हूँ, इसको तत्काल बंद किया जाए। तो एक दो आदमी को बुलाया तो किया ही साहब, उसके बाद भी मतलब बंद नहीं हुआ, एक महीना लगभग होने जा रहा है सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ, ये स्वाभाविक है, लुभाईपुर की घटना है, एफ आई आर करते हैं मुंगेली थाना में। आरोपी अभी नहीं हो सकती, मैं तुरंत निर्देशित करता हूँ गिरफ्तार करने के लिए।